एक्सपोर्ट हेलमेट का बेसिक थिंग क्या है ना कि तीन चीज मेन इम्पोर्टेंट होता है, एक आउटर सेल, इसको कहते हैं आउटर सेल, एक ये इनर लाइनर और एक फॉर्म जो इसके बीच में होता है, ठीक है। आउटर सेल का क्या काम होता है कि ये क्या करता है ना, मान लीजिए इस पर 500 केजी का प्रेशर पड़ रहा है तो ये क्या करेगा कि 5-5 केजी में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और उसका जो बीच वाला फॉर्म सेल होता है उसका क्या काम होता है कि वो 5 केजी को भी वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर देगा, वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। और ये जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर, इसका क्या काम होता है कि ये आपको पता ही नहीं चलने देगा कि आपको कुछ हुआ है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं यदि आप हेलमेट पहन रहे हैं इस तरह का और आपको लग रहा है कि छोटा है तो बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये छोटा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुशनिंग होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है मेरे सर के साथ, कि इतना बड़ा है भी ये चीज़ हुआ है, राइट ना। क्योंकि एक तो फॉर्म है, पहले तो ये आउटर सेल है, दूसरी फॉर्म जो बीच वाला लेयर है, मैं बेसिक थिंग बता रहा हूँ अभी, और ये लेयर, ये तीनों मिलकर मतलब पूरा हेड को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद राइडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या, एरोडायनेमिक डिज़ाइन। एरोडायनेमिक डिज़ाइन, एरोडायनेमिक डिज़ाइन क्या होता है कि ये मतलब एक तो राइड देख रहे हैं, इसका लुक देखिए किस तरह का है, ये राइड के लिए सबसे बेस्ट है। यह क्या करता है ना, हवा को काटता है, और ये इसको कहते हैं स्पॉइलर, ये डिज़ाइन को और बेहतर करता है। इसमें क्या है कि यहाँ से हवा को इंटेक करेगा यदि आप समर सीजन में, अदरवाइज विंटर में तो इसको लॉक कर दीजिए, आपको वार्म रखेगा, कूल रखेगा। और यदि आप समर सीजन में यूज कर रहे हैं तो इसको खोल दीजिए, ये क्या करेगा कि पूरा एयर वेंटिलेशन को इंटेक करेगा अंदर में, और पूरा इसको फैलाएगा, पूरा कूल रखेगा, और फिर गर्म हवा को यहाँ से निकाल देगा, ये इसका फंक्शन है। हम आउटर सेल में यूज करते हैं ABS फैब्रिक को, ABS मटेरियल को हम क्या करते हैं आउटर सेल में यूज करते हैं, जो काफ़ी मतलब कि मजबूत होता है। तीसरी चीज़ हम आते हैं सर्टिफिकेशन का, ये क्या होता है कि हम ISI तो हम लोग सब जानते हैं, पर हम इसमें क्या करते हैं DOT यूज करते हैं। DOT का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिक थिंग है। ये क्या है कि ये USA का अप्रूवल होता है, ये अप्रूवल कोई भी कंपनी यूज ऐसे नहीं कर सकता है, कोई भी जो होता है ना नॉर्मल में ISI तो आप 300 वाला भी हेलमेट में मार के दे देगा, राइट ना। लेकिन क्या DOT जो है मतलब हर कोई नहीं यूज कर सकता। इसका रीज़न ये है कि जो भी कंपनी DOT यूज करता है ना और वो बेहतर प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा ना, तो DOT का जो सर्टिफाई करता है ना वो उस पर बहुत बड़ा पेनल्टी मार देगा इसके रीज़न से, क्योंकि DOT यहाँ पे मार्क है, सर्टिफाइड है इससे, तो ये मतलब 110% गारंटी है कि ये हेलमेट आपको प्रोटेक्शन देगा ही देगा, राइट ना। तो प्रोटेक्शन में तो ये मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, फैब्रिक है, फीचर्स है, और कंफर्ट एंड कुशनिंग है। अब हम क्या बताते हैं इसमें, ये हम जो यूज करते हैं ये पॉलिस्टर फैब्रिक यूज़ करते हैं और माइक्रो वॉश करते हैं इसको। माइक्रो फैब्रिक वॉश क्या होता है ना कि वो बहुत सारा केमिकल वॉश होता है जो इसको ना स्मूथ कर देता है, इतना स्मूथ कर देता है ना। पॉलिस्टर का तो एक तो फैब्रिक होता है कि वो मतलब आपको पता है ना स्वेटिंग जब का नहीं होने देगा, होता है ना जैसे आप हेलमेट पहन रहे हैं समर सीजन में बहुत ज़्यादा अंदर स्वेटिंग हो गया तो इचनिंग वगैरह होने लगता है या हेयर फॉल होने लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये नहीं होने देगा इसमें, इस तरह का इसमें वॉश किया हुआ है। उसके बाद भी 3-4 महीना बाद आपका हेलमेट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो इसको कि रिमूव करके आप वॉश कर सकते हो, और आप बहुत मतलब इजीली इसका सोर्स है रिमूव करने का, आप इजीली रूप से इसको रिमूव कर सकते हो ये, और इसको हम बाहर निकाल के वॉश कर सकते हैं। जिस तरह से इसको हमने रिमूव किया उस तरह से हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं ये, और यहाँ से ये खोलेंगे, और उसी तरह से ये सब भी खुल जाएगा, ये इसको बाहर निकाल लेंगे और वॉश कर लेंगे, ये भी यहाँ से देखिए निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको भी बाहर निकाल के ही दिखा देता हूँ,
ये रिमूव हो गया पूरा। ये देखिए ये फॉर्म है, ये वही तीसरा लेयर, ये सेकेंड लेयर फॉर्म है जो ऑब्जर्वेशन जो इससे ज़्यादा मतलब जो ऑब्जर्व होता है ना, ये इसके बाद जो रिफ्लेक्ट होके जाता है इसके पास उसको नहीं पहुँचने देता है। और ये वही कुशनिंग है, आप देख सकते हैं ये कितना मतलब ज़्यादा कुशनिंग बेहतर है। ये वही कुशनिंग है जो आपको फील नहीं होने देता है कि आपको कुछ हुआ है, राइट ना। तो ये मतलब इस तरह का क्वालिटी का हेलमेट है। उसके बाद देखिए आप ये चीज़ भी आपने देखा होगा हेलमेट में लगा हुआ है, आप अक्सर ये निकल जाता होगा तो आप इसको बस निकाल के छोड़ देते होंगे, लगता होगा ये डिफेक्ट हो गया। नहीं, ये भी रिमूवेबल एंड वॉशेबल का पार्ट है, ये ऐसे लगा रहता है हेलमेट में। और इसका काम क्या होता है कि जब आप राइड पे रहते हो ना तो ये यहाँ से आपको लॉक करके रखता है कि आपको धूल डस्ट आपको अंदर में नहीं जाने दे, आपका स्किन को पॉल्यूशन से बचाए। ये इतना बेहतर आपका हेलमेट आपके सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया है कि आपको पॉल्यूशन से बचाता है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है बेहतर, और आपको मतलब हर चीज़ से परफॉर्म देता है, ये परफॉर्म कर रहा है, राइट ना, इसलिए नाम है इसका परफॉर्मेंस गियर। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हेलमेट सेम फीचर्स है इसमें, और ये ड्यूल वाइजर है, सेम फीचर्स है और ये ड्यूल वाइजर है, सब कुछ जितना भी फीचर्स है ना सेम है, और कलर वेरिएंट अलग है। इस हेलमेट में क्या है कि वो सारा सेम फीचर्स है और ये ड्यूल वाइजर भी है। देखिए वाइजर को यहाँ से बाहर करेंगे और यहाँ से ये उठाएंगे, ठीक है, सारा फीचर्स भी है, ड्यूल वाइजर भी है, रिमूवेबल वॉशेबल भी है। लेकिन इसमें एक फीचर्स और क्या है कि हम इसका वाइजर को भी रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा वाइजर निकल टूट गया या कुछ भी हुआ और हम चेंज करना चाहते हैं, तो बस हम ये वाइजर ऑनलाइन ऑर्डर किए TVS का, क्योंकि मार्केट में भरोसा नहीं है कि ये बेहतर क्वालिटी का देगा या नहीं देगा, तो हम खुद से ऑर्डर करेंगे और ये वाइजर को इस तरह से यहाँ से इसे खींचेंगे और निकाल लेंगे, और फिर इसी तरह से हम इसको यहाँ से ऐसे लगा लेंगे, इधर सेट होगा और सेम इधर सेट हो जाएगा। लग गया, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स है और इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है। ये फीचर्स पता था क्या आपको? हमारा एक्सपोर्ट हेलमेट बेसिकली अभी 3499 इसका प्राइस है, वैसे हम 2199 से स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह का हेलमेट है जिसमें सिर्फ वाइजर नहीं है, शायद वो होगा, वो 2199 का है, ये शायद 2300 का है, 2200 का है, और ये 3400 का है, और इन सब पे हम हमेशा ऑफर चलाते रहते हैं। आप देखिए इसी तरह का हेलमेट इतना सारा फीचर्स नहीं है, देखिए ISI है स्टील वर्ल्ड का, लेकिन DOT नहीं है, हम DOT दे रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है ना कि कोई भी हेलमेट कंपनी वारंटी नहीं देती है, सिर्फ TVS एक्सपोर्ट हेलमेट ही 1 ईयर का फ्रॉम परचेजिंग डेट वारंटी क्लेम करती है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आप हेलमेट को रिप्लेस करा लीजिए। 1 ईयर का क्या देती है एक्सपोर्ट हेलमेट में वारंटी, एक्सपोर्ट हेलमेट की बात कर रहा हूँ ना कि सारा हेलमेट। उसी तरह से ये TVS रेसिंग हेलमेट है, इसमें और हम ECE का अप्रूवल देते हैं, सर्टिफाई देते हैं,